नमस्कार भाइयों, आज मेरे सामने मैं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हूं और लोकसभा के अंतर्गत हमारे बहुत से लोग हैं जो अपने समाज के हैं और चिंतक हैं, मनन कर रहे हैं क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है, क्या यहाँ का मिजाज है, इसके बारे में हम आप सबसे जानना चाहेंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मैं फयाज़ हाशमी, नगर अध्यक्ष, जफराबाद कांग्रेस कमेटी। जी, क्या मिजाज है कुछ बताएं। मिजाज तो ये है, क्योंकि मैं मछली शहर लोकसभा और जौनपुर सदर दोनों पे ही सक्रिय हूँ और जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में जाने पर ये लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जनता लड़ रही है और जनता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे अहम मुद्दा जनता है। जनता परिवर्तन के मूड में। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, परिचय के साथ बोलिए। जी, मौलाना मुक्तदा हुसैन खैरी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। अपना पद बताइए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के हम युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, जौनपुर में? जौनपुर शहर में हम निवास करते हैं। अच्छा अच्छा, आबाई घर हमारा यही है और पूरी कोशिश और लगन के साथ हम समर्थन में भी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मोहम्मद शाहिद खान, जिला अध्यक्ष जौनपुर, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ कुछ काम देख करके, कुछ देश की हाल देख करके आए हुए हैं। इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाने की पूरी ताकत से लगे। पूरा समर्थन है। बिल्कुल सर। बाबू सिंह कुशवाहा? जी हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा। जी जी, मैं अंसार अहमद खान हूँ। मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ मैं जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। हमारी पार्टी ने तय किया है कि यह चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन का हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी और यहाँ से हमारी पूरी ज़िले की जो कार्यकर्ताओं की यूनिट है, सब लोग की मीटिंग करके पार्टी द्वारा यह निर्देश जारी किया जाएगा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कल से काम में लग जाएँ, ताकि यहाँ से एक किसके लिए लग जाएँ। आप ये कुशवाहा जी के ये जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं, जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में मीटिंग करके यह निर्देश जारी किया जाएगा कि सब लोग डोर टू डोर जाकर कुशवाहा जी को कामयाब बनाएं और इंडिया अलायंस को कामयाब बनाएं। जो देश से समाचार आ रहा है कि वोटर्स को रोके जा रहे हैं, इसका मुकाबला कैसे आप करेंगे? देखिए, यह जनता की लड़ाई होती है। जनता अगर चाहती है परिवर्तन करना तो परिवर्तन हो के रहेगा। जनता की आंधी जब चलती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बताएं कहाँ से हैं? जी, जौनपुर से हैं। अच्छा, मनोज मौर्या नाम है मेरा। क्या नाम है? मनोज मौर्या। मौर्या जी, जी किस विधानसभा से हैं? सदर विधानसभा से। सदर विधानसभा जी। क्या क्या मिजाज है जनता समाज का? मिजाज बस यही है, जो कहते थे 400 पार, उनका नीचे से 400 पार होगा और 143 में सिमट जाएंगे। आपका क्या कहना है, आप परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम शशांक शिखर तिवारी है। मैं शहर महासचिव हूं कांग्रेस पार्टी का और इस समय माहौल एकदम बदल चुका है। हाँ, और मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं और पूरा अधिवक्ता जो है कुशवाहा जी के साथ है, पूरा एकदम और पूरा समर्थन है वहाँ पे। जी, आप बताएं अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम असलम है, बनारस से मैं आया हूँ। मैं गठबंधन के लिए पूरा प्रयास हूँ कि आने वाले दिन में इस तरह की सरकार हटे और हमारे कुशवाहा जी को, गठबंधन को। जी, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं विधायक चित्रकूट हूँ। विधायक चित्रकूट? हाँ, चित्रकूट से आया हूँ। कब से यहाँ से आए हैं आप? मैं आ गया हूँ और अभी आज ही सवेरे आया हूँ। हाँ, कल हमारे यहाँ वोटिंग खत्म हुई है। अच्छा, अच्छा। तो जिस तरह से मैं अभी आज काफ़ी जगहों पर जाने का मुझे मौका मिला, तो जिस तरह से आपको समाज जिस तरह से इंडिया अलायंस और आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी के पक्ष में लोग एकजुट हो रहे हैं, विशेष रूप से जो खेती किसानी से जुड़े से लोग हैं। क्या आपके समाज के लोग यहाँ पर हैं? हाँ, हमारे समाज के भी लोग वोट कर रहे हैं और जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, जो पढ़ने वाला युवा है, जो संविधान को मानता है या जिसकी लोकतंत्र में भरोसा है, ऐसे लोगों का दिनों दिन प्रभाव समाजवादी पार्टी ने गठबंधन प्रत्याशियों में की ओर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जी कहाँ से हैं? मैं जनपद फतेहपुर हुसैनगंज विधायक उषा मौर्या। अच्छा, मौर्या जी आप विधायक हैं जी और दूसरे जिले से यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ समाज में आप गई हैं?
मैं अभी 2 घंटे हुए हैं, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन माहौल बहुत अच्छा है, जनता चुनाव लड़ रही है और सब मैं तो सभी वासियों से जनपद जौनपुर से कहना चाहती हूँ कि सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा बन के चुनाव लड़िए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर बहुत फोकस कर रही है और बहुत उनको लुभाने में और नारी बंधन कर रही है। अरे ये बहुत हो गया, बहुत लुभा चुके हैं, अब आंधी आ रही है, अब उनके लुभाने में कोई जनता आने वाली नहीं। क्या सचमुच महिलाएं यह सोचने लग गई हैं? नहीं 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 सोचने लगे, अब बाबू सिंह कुशवाहा जी को, गठबंधन को और संविधान बचाने के लिए सब लोग तैयार हैं। तो संविधान बचाने के लिए पढ़ी लिखी महिलाएं तो हो सकता है तैयार हो जाएं, बाकी महिलाओं को कौन तैयार करेगा? अब आजकल चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सब लोग एक्टिव हो गए हैं। बहुत अच्छा, मैंने सबके अंदर जागरण आ गया है जी, कि बदलाव करना है, बदलाव करना संविधान। धन्यवाद।